हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट की लेक्चर सीरीज में हम इस समय बात कर रहे हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पर। लास्ट क्लास में हमने देखा हुआ था कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है और साथ ही साथ उसके रोल क्या होते हैं, और एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने क्या किया था, डिटेल में समझाया था कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है। वहां पे आपको समराइज की अगर बात करूँ तो यही बताया गया था कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता है वो दरअसल एक सॉफ्टवेयर होता है, एक एप्लीकेशन होता है, ये एक आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम होता है जो क्या करता है, डिसीजन मेकर को, जो पर्सन डिसीजन लेता है, उसकी हेल्प करता है बेस्ट डिसीजन लेने के लिए। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसी में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में टोटल मेनली थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। मैंने कल नॉर्मली एक डिस्कशन भी किया था, जो आपको एग्जांपल दिया था कि आपको शेयर मार्केट वगैरह का, तो वहां पे मैंने आपको जिस तरीके से बताया था, भी बताया था कि वहां पे तीन पोर्शन वर्क कर रहे होते हैं, तो वही इसके क्या हो जाएंगे, मेन कंपोनेंट हो जाएंगे। देखिए, पहला कंपोनेंट होता है डेटाबेस, दूसरा कंपोनेंट होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर मॉडल, और तीसरा कंपोनेंट होता है यूजर इंटरफेस। क्लियर? तो चलिए मैं कल के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे आपको क्या कर दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। मैंने आपसे बताया था कल के दिन कि यहाँ पे क्या होगा, आपके पास कोई ना कोई, मैंने एग्जाम्पल लिया था, फिर वही मैं एग्जाम्पल लेके क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ, वो आपके लिए क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा। चलिए देखिएगा, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था एक शेयर मार्केट की बात मैं यहाँ पे करने जा रहा हूँ। शेयर मार्केट में सिंपल सी बात यहाँ पे है, पूरा शेयर मार्केट का प्रोसीजर समझिएगा आप लोग यहाँ पे। यह मैं एक और सिंपल एग्जाम्पल थोड़ा आपको समझा दे रहा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने बताया था गूगल फिनेंस से या फिर मनी कंट्रोल डॉट कॉम या किसी इस टाइप की वेबसाइट से आपको कंपनीज का डेटा चाहिए। जब तक डेटा नहीं आपके पास होगा तब तक आप कोई वर्क इस तरीके का नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, तो आपके पास जो गूगल फिनेंस वेबसाइट है या मनी कंट्रोल डॉट कॉम है, वहां से आपने क्या लिया, डेटा लिया, तो आप उसको इस शेयर मार्केट प्रोसेस में गूगल फाइनेंस को डेटा बेस मान सकते हैं, क्योंकि आपका डेटा वहीं पे समझ लीजिए रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं डेटा रखा होगा, तभी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का जो पूरा प्रोसेस होता है वो डेटा के बेस पे ही क्या करता है, आपको ढेर सारे प्रोसीजर, ढेर सारे सिस्टम प्रोवाइड करता है डिसीजन को लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं डेटा जहां पे रखा होता है वही क्या होता है, आपका डेटा बेस होता है। क्लियर है यहाँ पे? तो गूगल फाइनेंस क्या हो गया, आपका डेटा बेस हो गया। मनी कंट्रोल डॉट कॉम यहाँ पे क्या हो गया, एज ए डेटा बेस वर्क कर रहा है, क्योंकि आपका जो रॉ डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन आप वहीं से ले रहे हो। इसके बाद मैंने ये बताया था कि आपने क्या किया, एक्सेल में इसको आपने क्या किया कि एक्सेल में इसे क्या कर दिया, पूरे डेटा को ला करके पेस्ट कर दिया। क्या कर दिया वहां पे, एक्सेल में ला करके पेस्ट कर दिया। और उसके जस्ट बाद क्या हुआ कि आपको यहाँ ये पता करना है कि जिसकी जिसकी वैल्यू, जिसका जिसका शेयर क्या हो, हाई हो, जिसकी प्राइस शेयर की क्या हो, हाई हो, वो मुझे दिख जाए, या जिसकी लो है वो मुझे दिख जाए। अगर मुझे बेचना है बोलूंगा जो हाई है वो दिख जाए मुझे। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक्सेल में क्या लगेगा, फॉर्मूला, क्या लगेगा, फॉर्मूला। तो डिसीजन क्या लेना था आपको, आपको शेयर बेचना था, तो कौन से शेयर बेचने हैं ये डिसीजन लेना था। तो जिस शेयर की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी, वो आपको बेचना होगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस डेटा के थ्रू निकाल करना होता है कि करके, तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अगर आप यहां से नहीं, एक्सेल आपको दे दे रहा है भैया इसकी इसकी वैल्यू क्या है, हाई है इसकी, तो आप अपने आप क्या करोगे, आप उसी शेयर को बेचोगे, तो डिसीजन आपको जल्दी से मिल गया। क्लियर ना यहाँ तक? तो सिंपल सी बात है, इसी तरीके से आपका जो एक्सेल हो गया, ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर मॉडल हो गया, ये वो फॉर्मूला हो गया जिसके थ्रू आपका डिसीजन निकल के आ रहा है। और यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, देखिएगा, ये तो एक नॉर्मल, मैं एक एग्जांपल लिया हूँ किसकी प्राइस हाई किसकी लो है। तो अगर उसको कहीं ना कहीं दिखाया जाएगा ना, जो यूजर होगा, जो डिसीजन लेने वाला है वो यूजर मान लेते हैं वहां पे है, तो कहीं डिसीजन मेकर है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करेगा कि उस कहीं ना कहीं रिजल्ट देखेगा। तो रिजल्ट जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस एनवायरमेंट में दिखाया जा रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजर इंटरफेस। तो अब यहां से जो हाईएस्ट होगा उसको बार ग्राफ के रूप में, पाई चार्ट के रूप में, किसी ना किसी रूप में यहाँ पे क्या कर दिया, इसको दिखा दिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट शो हो जाएगा, उसके हिसाब से यूजर डिसीजन मेकर क्या लेगा, डिसीजन लेगा। तो टोटल यहाँ पे जो आपका डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें कितने कंपोनेंट यूज होते हैं, मेनली थ्री कंपोनेंट, डेटाबेस और आपका सॉफ्टवेयर मॉडल, और यहाँ पे क्या हो गया आपका यूजर इंटरफेस। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा, चलिए एक छोटी सी शॉप में बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं अभी आपने ओके क्रेडिट, खाता बुक वगैरह का ऐप आपने सुना ही होगा। तो दरअसल यहाँ पे
मान लेते हैं कोई आपके पास क्या है शॉप है और सब लोग आपसे क्या करते हैं उधार लेके जाते हैं, तो सिंपल सी बात है उधार लेके जाते हैं तो आप कहीं कहीं लिखते होगे। मैंने जैसे आपसे बताया कि आपसे बोल दिया कि आप एक काम करिए यहाँ पे कि जितना आपने डेटा कहीं पे लिखा हुआ कॉपी में हो सकता है कंप्यूटर में नोट किया हुआ है, तो वो क्या हो गया आपका डेटाबेस क्या हो गया, क्योंकि सारा डेटा वहां पे रखा हुआ है। अब आपको क्या करना था उसकी बोल सकते हो आपको पैसा वसूली करना था कि जिसके सबका अपना जिसका उधार है आपको उसके पास जाकर के लेना था। तो आपने डिसाइड किया यार एक काम करते हैं कि जो जिसके पास हाईएस्ट होता है जिसके पास जैसे उधार ज्यादा है जिसका बकाया ज्यादा है हम सबसे पहले उसके पास जाएंगे। तो अब किसके किसके पास जाना है आपको डिसीजन लेना है किसके किसके पास जाना है। तो आपको पूरी बुक क्या करनी होगी एक तरफ से देखनी होगी। आई थिंक अगर आपके पास 1,000 2,000 कस्टमर्स होंगे तो कहीं कहीं बहुत टाइम लग जाने वाला है, लेकिन अगर आपने एक्सेल या किसी भी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर में क्या कर दिया उसको रख दिया और वो सॉफ्टवेयर कैलकुलेटर के आपको निकाल के दे दिया कि ये 10 लोग का क्या है हाईएस्ट है तो आप या हाईएस्ट लोवेस्ट करके आपको दे दिया, तो आप क्या करोगे उसी के हिसाब से उनके पास जाकर के वसूली कर लोगे। तो कहूँ ये जो सॉफ्टवेयर है ये सारी चीज ये क्या कर रहा है, मैं एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ, एक आपके पास हायर एग्जाम्पल दे दिया हूँ, तो इस तरीके से क्या होगा कि आप समझ सकते हो कि डिसीजन मेकिंग सॉरी तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है उसमें 3 कंपोनेंट्स क्या होते हैं यूज होते हैं। यहाँ पे आपका जो बुक है वो क्या हो गई देखा जाते हैं यहाँ पे जहाँ आपने लिखा था पूरे डेटा को पूरे इन्फॉर्मेशन को किसका कितना बकाया हो क्या हो गया आपका डेटाबेस हो गया। जो सॉफ्टवेयर एक्सेल ही मान लीजिए जो भी कोई भी सॉफ्टवेयर आपको क्या कर रहा देख फार्मूला अप्लाई करके दे रहा हो क्या हो गया आपका सॉफ्टवेयर मॉडल, और जहां पे कोई कंप्यूटर स्क्रीन होगी जहां पे मोबाइल स्क्रीन जहां पे दिखा रहा हो क्या हो गया आपका यूजर इंटरफेस। क्लियर ना, यही आपके पास यहाँ पे क्या है कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो वही लिखा गया है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन कंपोनेंट्स डीएसएस डेटाबेस। मुझे कुछ नया नहीं बताना है यहाँ पे, देखिए इट कंटेन्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस क्लियर इंक्लूडिंग इंटरनल डेटा फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन एंड द डेटा जनरेट बाई डिफरेंट एप्लीकेशन एंड एक्सटर्नल डेटा ऑफ माइंड, मतलब आप यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हो डिसीजन वहां लेना है तो कहीं ना कहीं आपको जो इंटरनल डेटा है किसी भी वेरियस सोर्सेस से इंटरनेट से कहीं से भी डेटा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन आप इकट्ठा कर रहे हो उसको हम एक डेटाबेस में क्या करते हैं स्टोर कर देता है। मतलब जहां पे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डेटा को रखता है उसका कौन सा पार्ट कहलाता है डेटा बेस। डीएसएस सॉफ्टवेयर मॉडल मैंने बोला था इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस मैथमेटिकल एंड एनालिटिकल मॉडल क्लियर, इसमें बहुत मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है एनालिसिस होती है ना, क्योंकि एनालिसिस यही पोर्शन करता है दैट आर यूज्ड टू एनालाइज द कॉम्प्लेक्स डेटा देयर बाय प्रोड्यूसिंग द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन, जिसके थ्रू क्या कर सके जो यूजर को जरूरत हो इस टाइप इन्फॉर्मेशन उसको क्या कर सके वो प्रोड्यूस कर सके। तो आई थिंक क्लियर कुछ ना कुछ तो हो चुका होगा आपको कि क्या होता है डेटाबेस का मतलब यहाँ पे क्या है और सॉफ्टवेयर मॉडल का मतलब यहाँ पे क्या है। तो देखिएगा अब तीसरा क्या है यूजर इंटरफेस, ये बताया डीएसएस यूजर इंटरफेस, इसमें इट इज एन इंटरेक्टिव ग्राफिकल इंटरफेस विच मेक्स इंटरेक्शन इजियर बिटवीन डीएसएस सिस्टम एंड इट्स यूजर, मतलब मैनेजर वगैरह ठीक है जो डिसीजन लेते हैं जो डिसीजन मेकर्स होते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बताया था डीएसएस को नॉर्मल लोग यूज नहीं करते हैं मैनेजर सीईओ ही यूज करते हैं। इट डिस्प्ले द रिजल्ट आउटपुट ऑफ द एनालिसिस इन वेरियस फॉर्म ठीक है, सच टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकता है टेबल के फॉर्म में, मैंने बताया ना जिस तरह से सुटेबल होगा उस तरह से आपको रिजल्ट दिखा दिया जाएगा, जहां दिखाया जाएगा वही क्या होगा यूजर इंटरफेस होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ऐसे बता दिया है कि देखिए इंटरनल डेटा आपके ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एक्सटर्नल डेटा कहीं से आप इंटरनेट वगैरह से ले रहे हो, ये डेटा बेस आपका है यहाँ पे क्या होगा स्टोर होगा, ये सॉफ्टवेयर मॉडल है जिसको हम लोग किसी भी नाम से यहाँ पे जानते हैं वो क्या करेगा डेटा एनालिसिस करेगा और यूजर इंटरफेस क्या करेगा रिप्रेजेंट कर देगा यहाँ। तो इसके बाद यहाँ पे यूजर्स होंगे मतलब क्या होंगे आपके पास मैनेजर्स वगैरह होंगे जो क्या करेंगे रिजल्ट को देख करके डिसीजन ले लेंगे, डिसीजन लेने में क्या करता है आपकी सपोर्ट करता है। आई थिंक क्लियर होगा ना यहाँ से कि क्या होता है कंपोनेंट ऑफ डिसीजन सपोर्ट। चलिए देखिए यहाँ पे आपका अगला पॉइंट है एडवांटेज ऑफ डीएसएस, मतलब डीएसएस के थ्रू आप क्या बेटर कर सकते हो क्या उसका एडवांटेज है उसके बारे में हमें बात करने जा रहे हैं। पॉइंट टू पॉइंट देखिएगा अलाउ फॉर फास्टर डिसीजन मेकिंग, देखिए अगर आपको समझ में आ चुका है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम होता क्या है तो सिंपल सी बात है यहाँ पे एडवांटेज आप खुद लिख सकते हैं क्या फायदे हैं आप उसको वहां से खुद बता सकते हैं। तो फिलहाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ पे देख लीजिए कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है अलाउ फॉर फास्टर डिसीजन क्लियर रिड्यूस द टाइम टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सॉल्व करने में टाइम कम लगता है बात दोनों लगभग सेम है। मे इंक्रीज डिसीजन मेकर सेटिस्फेक्शन, डिसीजन मेकर का सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है यहाँ क्योंकि रीजन भी होता है ना इसे आप कोई डिसीजन ले रहे हो ध्यान रखिएगा यहाँ पे क्योंकि डेटा आपके पास होता है ना सेटिस्फेक्शन मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास डेटा होता है, जब डेटा होता है तो अपने पुराना पुराने डेटा के पुराने पूरे डेटा पे क्या किया आपने एनालिसिस किया है उसके बाद क्या लिया आपने डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि मैंने जो डिसीजन लिया वो क्या है
सही है, तो ये मतलब सेटिस्फेक्शन को इंक्रीज करता है, ये एडवांटेज यहाँ पे प्रोवाइड डिफरेंट परस्पेक्टिव टू सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन के बहुत सारे परस्पेक्टिव, मतलब बहुत सारे चॉइसेस ऑप्शन से आपको क्या करता है, प्रोवाइड करता है यहाँ पे कि मैं ये मतलब अगर इस तरह से नहीं ऐसे करना है, जो मतलब जो भी आपके पास क्या हो, अगर कोई एक सिचुएशन आ जाए उसके उसके कई सारे हल ये क्या करता है आपका, प्रोवाइड करता है। हेल्प टू ऑटोमेट वेरियस बिजनेस सिस्टम, मतलब आप सिंपल सी बात है, यहाँ पे कुछ बिजनेस सिस्टम में आपके पास डिसीजन लेना कुछ इस तरह का हो जाता है कि ऑटोमेशन हो जाता है उसमें, क्योंकि मतलब थोड़ा फास्ट हो जाता है और वहाँ पे कम मैन पावर या ह्यूमन की वहाँ पे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बोल सकते हैं कुछ ऑटोमेशन का फीचर वहाँ पे आ जाता है। देखिए बुक, आपके बुक के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे कुछ जो चीज़ें थी वहाँ एडवांटेज में लिख दिया होगा आपको, वहाँ पे इस पॉइंट के अलावा भी इन चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इम्प्रूविंग पर्सनल इफिशियंसी, अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, नाम से लग रहा है कि आपकी पर्सनल इफिशियंसी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है यहाँ पे, क्योंकि आप जैसे अ पर्सन कुड नॉट डू हिमसेल्फ, मतलब कहने मतलब एक पर्सन सिंपल सी बात बोला है, ऐसा नहीं कुछ नहीं कर सकता, मतलब इतना बेटर ऑर्गेनाइजेशन में इतनी बड़े डिसीजन लेना एक पर्सन के लिए बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट प्रोसेस है। पीपल प्रिपेयर बजट फॉर सेंचुरीज, ठीक है, मतलब बोला है गया है कि लोग पहले क्या करते थे, बजट बनाते थे, प्रिपेयर करते थे सेंचुरी के लिए, जब स्प्रेड शीट का सिस्टम नहीं था, स्प्रेड शीट यूज नहीं हो रहा था, तो वहां पे वो लोग क्या करते थे, बजट बनाना रिमाइंड लगाते थे, तो आगे कब आगे के लिए फोरकास्टिंग करते थे। लेकिन जब से क्या आ गया आपका स्प्रेड शीट आ गया, आपका एक्सेल आ गया, मतलब देखा जाए सॉफ्टवेयर मॉडल आ गया, तब से इसकी कोई बजट बनाने की जरूरत नहीं है। आप वहां पे क्या करेंगे, डेटा एंटर करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको क्या रिजल्ट आने वाला आपको दिख जाएगा, और या आउटपुट आपको ग्राफ के फॉर्म में किसी फॉर्म में दिख जाएगा। डीएसएस हेल्प देम टू डू इट फास्टर, वही बोला गया कि ये सब अब डीएसएस के हेल्प से क्या होता है, फास्ट फास्टर हो चुका है और यहाँ पर एरर भी बहुत कम है। नेक्स्ट देखिएगा, इम्प्रूविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, अब वही यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करना क्या हो गया, इम्प्रूव मतलब फास्ट हो गया है और बेटर हो गया है। डीएसएस कैन मेक इट पॉसिबल फॉर अ पर्सन और ग्रुप टू सॉल्व प्रॉब्लम फास्टर और बेटर देन द, मतलब पहले जो लोग करते थे उससे कहीं ना कहीं क्या बेटर हो गया और क्या हो गया, फास्ट हो गया है, किसके थ्रू, डीएसएस के थ्रू, वो तो आपको दिख रहा है वहां पे। देखिए तीसरा यहाँ पे आपका फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन, इसका मतलब देखिए यहाँ पे होता है कि ओवरऑल मेरा कहना फ्यूचर में क्या होने वाला है, और जस्ट आपने पास्ट में क्या जस्टिफाई किया था, क्या सही हुआ था, क्या गलत हुआ था, इन सब के बारे में आप पूरे ग्रुप को समझा सकते हो, बता सकते हो और सही तरीके से इसके हिसाब से अपना वर्क कर सकते हो। मतलब आप अगर आपके कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, उसके लिए आपको सजेशन चाहिए, ग्रुप आपके पास है, वहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग पढ़ चुके हो, तो मतलब कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डेटा प्रोवाइड कर देता है और मतलब प्रूफ प्रोवाइड कर देता है, कहना मतलब पीछे ऐसा हुआ था, हम इस बार करेंगे तो ये बेटर होगा। अगला आपका है प्रमोटिंग लर्निंग और ट्रेनिंग, यूजिंग अ डीएसएस कैन आल्सो हेल्प पीपल लर्न मोर अबाउट, हाँ मतलब यहाँ पर कंप्यूटर के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू, पैकेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत से लोग मतलब यहाँ पे लर्न कर सकते हैं चीजों को, मतलब लर्निंग या ट्रेनिंग को क्या करता है, प्रमोट करता है। आई थिंक यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगला आपका है डिसएडवांटेज ऑफ डीएसएस, देखिए एक सॉफ्टवेयर है, मैंने बताया था कंप्यूटर बेस्ड एप्लीकेशन है, सिंपल सी बात है, ये सब प्रॉब्लम यहाँ पे आएगा, लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, ऐसा नहीं कि आप कितना भी रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोसेसिंग भी करनी है तो स्लो स्लो हो जाएगा, अगर आप बहुत बड़ी मेमोरी लगाते हैं, बहुत सारी चीजें इसमें करते हैं, तो प्रोसेस क्या होगा, स्लो होगा, बोल सकते हैं लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, मतलब जो ऐसा नहीं बहुत छोटी स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है, लेकिन जो भी है लिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड नहीं है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन शेयरिंग, मतलब सबसे इन्फॉर्मेशन को शेयर यहाँ पे नहीं करा जा सकता, मतलब कुछ ही लोग डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, कहने मतलब ये है कि ये भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी क्या है यहाँ पे लिमिटेड है, डिफिकल्ट तो है ही है, रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज, हम इसको मैनेज करने के लिए, इसको बोल सकते हैं आप यूज करने के लिए आपके पास क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए होगी। ट्रांसलेशन प्रॉब्लम्स, अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेटा सोर्स हैं, कहाँ से डेटा लेके जाना है, कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, तो सब उनके बीच में क्या करना है, सेम सेम अगर फॉर्मेट नहीं होगा तो क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि एक डेटाबेस से डेटा आ रहा है दूसरे डेटाबेस में जा रहा है, तो उनका फॉर्मेट फॉर्मेट मतलब जैसे लैंग्वेज, कोई MySQL यूज कर रहा है, कोई SQL सर्वर यूज कर रहा है, कोई Oracle यूज कर रहा है, इस हिसाब से, और साथ ही साथ टेबल के फॉर्म में, पाई ग्राफ के फॉर्म में, कहेंगे ये सब ट्रांसलेट करना होगा, मतलब पाई चार्ट के फॉर्म में सब क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा, ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। तो डिसएडवांटेज तो बहुत ज्यादा नहीं बट इतने हैं, तो आई थिंक आपको समझ में तो बेसिकली अच्छे तरीके से आ चुका होगा कि क्या होता है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।